I welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Guys, today we are going to discuss some questions based on quantitative aptitude for SSC CGL. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV Classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. Guys, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. Guys, come to the question. Question 1. A rectangular garden is 100 meter into 80 meter. There is a path along the garden and just outside it, width of the path is 10 meter. The area of a path is dash. Okay? So we need to find the area of a path. Okay? तो फिगर में देखते हैं क्या गिवन है. यहाँ पर टू रेक्टेंगल्स गिवन है, पी क्यू आर एस बिग रेक्टेंगल है एंड ए बी सी डी स्मॉल रेक्टेंगल है. ओके, और वी नीड टू फाइंड दिस. ओके, ये एरिया जो है ये पाथ. ओके, यहाँ पर लिखा है ना, अ पाथ अराउंड द गार्डन एंड जस्ट आउटसाइड इट. ये गार्डन है, ए बी सी डी गार्डन है. यहाँ पर बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 100 मीटर एंड 80 मीटर. 100 मीटर और 80 मीटर का यही है गार्डन. तो ये गार्डन हो गया आपका. ओके, ये बीच में जो एबीसीडी है ये गार्डन है. और बोल रहा है कि गार्डन के ऊपर के साइड में जो है आउटसाइड दी गार्डन. ओके, आउटसाइड इट. तो गार्डन के आउटसाइड में कौन सा पाथ है, ये वाला है. ओके, पी क्यू आर एस और ए बी सी डी के बीच में जो है पाथ, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके गाइस, तो ये कैसे निकालेंगे ये इसको देखते हैं. और पाथ के बीच में कितना है डिस्टेंस, 10 मीटर का. ओके, यहाँ पर लिखा है ना वेथ ऑफ द पाथ, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है, पाथ की जो रास्ता निकालना है उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर. ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे. सो राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. ओके, सो राइट हियर एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े रेक्टेंगल में से अगर छोटे रेक्टेंगल को माइनस करेंगे तो ये जो रास्ता है यानी पाथ निकालना लोगों को अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, तो पी क्यू आर एस में लेंथ कितना है 120 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 100 मीटर. ओके, सो राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस. ओके, यहाँ पर माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. ओके, इसको भी ब्रैकेट में करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस 120 लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है आपका 100 मीटर. ओके, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी में कितना है 100 और 80. इट मींस 100 लेंथ और ब्रेथ आपका है 80. सो राइट हियर 100 माइनस 80. ओके, अब क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा. सो 120 और 100 को क्या करेंगे, पहले बॉडी मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 12,000 माइनस 8,000 ओके मीटर, सो आ जाएगा आपका 4,000 मीटर. ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द पाथ, यानी ये जो निकालना है हम लोगों को पाथ, ये आपका आ जाएगा 4,000 स्क्वायर मीटर. ओके, स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया निकालना है तो स्क्वायर मीटर आएगा. सो ऑप्शंस में जाते हैं. ऑप्शन ए नो, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 4,000 स्क्वायर मीटर. ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन टू, टू सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी. ठीक है, यहाँ पर दो सर्किल्स की मैंने फिगर में, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से ए और बी पॉइंट से. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट ए एंड बी. एंड इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है यदि, तो बोल क्या रहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज. अगर ए बी 8 सेंटीमीटर है तो ओ और पी, ओके ओ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे देखते हैं. और रेडियस ऑफ दी सर्किल कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर. ओके, तो रेडियस क्या होगा, एओ रेडियस ऑफ दी सर्कल 5 सेंटीमीटर, और एपी भी होगा सेकेंड सर्किल का रेडियस. ओके, फर्स्ट सर्किल का रेडियस एओ 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सर्किल का एपी 5 सेंटीमीटर. ओके, ये रेडियस है आपका. अब सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं. पहले लेंगे एंगल ए एक्स ओ. ओके, ये बीच में पॉइंट आपका एक्स है, सो ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री यहां से, 90 डिग्री यहां से. ओके, सो एंगल ए एक्स ओ
According to the question, in angle AXO, AXO में क्या करेंगे? हम लोगों को क्या पता है? हाइपोटेनस पता है? पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है? ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा. सो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? एओ. ओके, एओ स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है यहाँ पे? एक्स और ओ, ओ एक्स इक्वल टू प्लस आपका ए और एक्स क्या है? परपेंडिकुलर है. ए एक्स ओके स्क्वायर. यहाँ पर ए एक्स कैसे पता चलेगा? ये पूरा आपका 8 सेंटीमीटर है ए से लेके बी तक. इफ ए बी स्क्वायर टू 8 सेंटीमीटर तो ए एक्स तो हाफ हुआ ना. ओके, तो ए एक्स स्क्वायर टू 8 बाई टू हाफ कर देंगे. ठीक है, ए एक्स और एक्स बी को जोड़ेंगे तभी तो ये ए बी बनेगा. तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं, ए बी को हाफ कर दे रहे तो आपका एक्स ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 सेंटीमीटर होगी. ओके, 4 सेंटीमीटर. सो राइट हियर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स कितना आया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो 25 ओ एक्स स्क्वायर टू 60 प्लस 60. ओके, ओ एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू 25 माइनस 60. ओके, कितना आ जाएगा आपका? 9. सो ओ एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 9 स्क्वायर टू 3 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका? ओ एक्स. तो ओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये आपका 3 सेंटीमीटर. ओके, 3 सेंटीमीटर. सिमिलरली एंगल ए एक्स पी को भी निकालेंगे सेम टू सेम. सिमिलरली एंगल ए ए एक्स पी ओके, ये भी 90 डिग्री है. तो इसमें भी सेम उसी तरीके से क्या हो जाएगा? एक्स पी आपका आ जाएगा सेम. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे उसके हिसाब से क्या आ जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका एक्स पी. ओके, एक्स पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ओ एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स यानी फर्स्ट सर्किल का सेंटर से लेके सेकंड सर्किल के सेंटर तक हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है. ओके, तो ओ एक्स पता चल गया है 3 सेंटीमीटर और उसी तरीके से क्या है एक्स पी भी पता चल गया है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो बेस अपने आप ही आ जाएगा. ओके, तो 3 सेंटीमीटर एड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स डिस्टेंस स्क्वायर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम स्क्वायर टू ओ एक्स प्लस एक्स पी. ओके, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 6 सेंटीमीटर. ओके, तो ऑप्शंस में जाते हैं. ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी 6 सेंटीमीटर. ओके गाइज, नाउ गाइज कम टू द लास्ट क्वेश्चन. Question 3. If 21 is added to become 7 less than thrice of the number, then the number is. Okay, तो हमें निकालना है. Question में बोल रहा है कि अगर 21 उस number में add करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 7 less than thrice of the number, यानी जो भी number है वो तीन गुना हो जाएगा और उसमें से क्या होगा? 7 minus हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? 7 less. Okay? और we need to find that number. Okay? तो according to the question, let the नंबर बी एक्स. ओके, नंबर को क्या लेंगे? एज्यूम करेंगे एक्स. ओके, सो 21 इज एडेड टू द नंबर. इट मीन्स एक्स प्लस 21 यानी एक्स को नंबर लेते हैं तो 21 उसमें एड हो रहा है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? इट बिकम्स 7 लेस देन थ्राइस ऑफ द नंबर. थ्राइस मीन्स तीन गुना हो गया नंबर यानी 3x माइनस 7. बोल रहा है ना 7 लेस देन थ्राइज ऑफ द नंबर यानी 3x माइनस 7. ओके, सो एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस 3x स्क्वायर टू माइनस 7 माइनस 21. ये x यहाँ पर आ गया. ओके, 3x सो माइनस 2x स्क्वायर टू माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा. ओके, 28. ओके, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर टू 28 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 14. सो x स्क्वायर टू 14 तो नंबर क्या आ जाएगा? नंबर इज 14. सो ऑप्शन में चेक करते हैं. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम.